इस्लाम की पढ़ाई करते करते बन गया आतंक का मास्टर। पाक शियाओं से लड़ते लड़ते हिंदुस्तान में तबाही की साजिश। दिल्ली के अशोका होटल में बैठकर आतंकी साजिश की तैयारी। 26 साल में मोटू बन गया आतंकी मसूद अजहर। खुद मसूद बताएगा कैसे बना आतंक का मास्टरमाइंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पठानकोट पर आतंकवादी हमला कराने वाला जैश मोहम्मद और उसका सरगना मसूद अजहर, और अजहर पर भारत चाहता है कड़ी कार्रवाई। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग में फेल होने के बाद भी मसूद अजहर बन गया आतंक का मास्टरमाइंड। जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर के आतंकी करतूतों से हिंदुस्तान तो वाकिफ था, लेकिन दुनिया को पता तब चला जब 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड हुआ और उसके बदले में जम्मू के कोट भलवल सेंट्रल जेल में बंद मसूद अजहर को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अजीत डोवाल स्पेशल विमान से बैठाकर कंधार ले गए। आज तक को खुफिया एजेंसियों से उस मसूद अजहर के आतंकी बनने की पूरी जानकारी मिली है, जिसके बारे में आज पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी कुछ बोलने से बच रहा है। I am not aware of such arrest and as to the information provided and your question related to it, as you are aware, this was mentioned in the press release that was issued yesterday. It was considered at the high level meeting in addition to that I can only say that the two governments remain in touch. Pakistani Punjab ke Bahawalpur mein janme Masood Azhar ko uske pita ke ek dost Karachi ke Jamila Ulum ul Islamia mein padhne ke liye le gaye. Wahan Masood Harkat ul Mujahideen yani hum ke sampark mein aaya. Hum woh aatanki sangathan tha jo us waqt Pakistan mein sakriya tha. अजहर पर आतंक का जहर चढ़ चुका था और वो तरबियत यानी आतंकी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान चला गया। खुफिया एजेंसियों को कोट भलवल जेल में कैद रहते मसूद ने बताया था, मैं अफगानिस्तान के यूंगर में एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप में गया। मैं 5 फीट 3 इंच का छोटे कद का एक थुलथुल आदमी था जो आतंकी ट्रेनिंग नहीं कर पाता था। मैं पानी से भरे नालों को पार नहीं कर पाता था। दूसरे आतंकी मोटू कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं 40 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरा नहीं कर पाया, मुझे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मसूद अजहर अफगानिस्तान से कराची के जामिया इस्लामिया वापस आ गया। यहां पर इसने सदाए मुजाहिदीन नाम की पत्रिका निकाली, जिसमें छपे लेख पढ़कर कई नौजवान आतंकवादी बन गए। इसको देखकर हरकत उल मुजाहिदीन के सरगना को यह लगा कि मसूद अजहर का इस्तेमाल एक आतंकवादी के तौर पर करने के बजाय औरों को आतंकवादी बनाने के लिए किया जा सकता है। एकाएक आतंकवाद के अपने कोर्स में फेल हुआ मसूद अजहर आतंक की दुनिया का नया स्टार बन गया। पूरा हिंदुस्तान 21वीं सदी का जश्न मना रहा है, जब हम और सिंह इंशाल्लाह मिलकर लड़ेंगे और हमारा दुश्मन जलील हो जाएगा। 1992 तक मसूद अजहर को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से भरपूर चंदा मिलने लगा, जिसके बल पर उसने खुद को एक पत्रकार के रूप में स्थापित कर लिया। हरकत उल मुजाहिदीन के सरगना खलील ने मसूद को विदेशी दौरे पर भेजना शुरू किया। सबसे पहले वो हज की यात्रा पर गया और कुछ ही दिनों में 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके बाद वो जाम्बिया गया, जहाँ उसने 22 लाख रुपए जुटाए। इसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचा। अब तक अजहर अपने आतंकी आका की आंखों का नूर बन चुका था। उसे आतंक के नए नाम पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भेजा गया। अजहर ने खुफिया एजेंसियों को
पूछताछ में बताया था। 1994 में मुझे कश्मीर में जाकर मुजाहिदीनों का मनोबल बढ़ाने को कहा गया। मैं एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली। मैंने अपना नकली नाम आदम इस्सा रखा और खुद को गुजराती मूल का पुर्तगाली नागरिक बताता था। मैं दिल्ली के मशहूर अशोका होटल में भी रुका। जम्मू जाने से पहले मैं अयोध्या भी जाना चाहता था। और मसूद अजहर अयोध्या भी गया, वहां से वो श्रीनगर चला गया। वहां आतंक के दूसरे सौदागरों के बीच उसने इस्लाम के विद्वान के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। खुफिया एजेंसियों को अजहर ने बताया था, आतंकवादियों के साथ मेरी पहली बैठक जम्मू से 70 किलोमीटर दूर अनंतनाग में हुई। एक गांव के छोटे से घर में हथियारबंद 25 आतंकी इकट्ठा हुए। उन सभी ने अपने सीने से AK-47 ऐसे चिपका रखे थे जैसे माँ अपने बच्चों को। मैंने एक AK-47 अपने हाथ में ली और महसूस किया कि दुश्मन से लड़ने के लिए ये तैयार है। राइफल में गोली भरी थी और वो फायर होने के लिए मचल रही थी। अपने हाथों में जब मैंने गोली भरी बंदूक ली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घाटी में आतंकवादियों के साथ मसूद अजहर ने महज 2 ही दिन बिताए थे। वो इंतजार कर रहा था जुम्मे की नमाज का, जब उसे जामा मस्जिद में एक बड़ा भाषण देना था। अपने एक साथी सज्जाद के साथ मसूद अजहर गाड़ी में सवार होकर जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी खराब हो गई। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और एक ऑटो में बैठे। उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त भारत की खुफिया एजेंसियों को यह नहीं मालूम था कि ऑटो में सवार वो युवक कितना खतरनाक आतंकवादी था। राहुल कमल, दिल्ली आज तक। पकड़े जाने के बाद मसूद अजहर को जम्मू के कोट भलवल जेल में रखा गया था। वहां से बाहर निकलने के लिए मसूद जी जान से लग गया और उससे ज्यादा इस काम में जुट गई थी पाकिस्तानी सेना और ISI। आखिरकार कंदहार विमान अपहरण के एवज में मसूद की रिहाई हुई। आतंक का मौलाना मसूद अजहर 1994 में गिरफ्तार होने से पहले घाटी में AK-47 लहरा चुका था, लेकिन सच तो यह है कि उसका आतंकी दिमाग AK-47 से भी ज्यादा तेज चलता था। जब उसे जेल भेजा गया तो उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वो इतनी मासूमियत से पेश हुआ कि कश्मीर में खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट यह कहकर बंद कर दी कि कश्मीर में किसी भी आतंकवादी घटना में मसूद अजहर शामिल नहीं है। अजहर को छुड़ाने के लिए हरकत उल अंसार ने जून 1994 में 2 ब्रिटिश नागरिकों को पहलगाम के पास अगवा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ISI ने अगली बार उमर शेख को भेजा, वही उमर शेख जिसने वॉल स्ट्रीट के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की थी, लेकिन उमर शेख भी कामयाब नहीं हुआ। जून 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल में दंगा हो गया जिसमें मसूद भी बंद था। दरअसल सज्जाद अफगानी और दूसरे आतंकवादियों ने जेल में सुरंग खोदा था। उसी रास्ते मसूद अजहर को भी भागना था, लेकिन सुरंग में 6 फीट जाने के बाद ही मसूद वापस आ गया क्योंकि उसे लगा कि सुरंग उसके लिहाज से काफी सक्रिय है। सज्जाद पुलिस फायरिंग में मारा गया। ISI डर गई कि कहीं अजहर भी मारा ना जाए। अब हाफिज से पाकिस्तानी आकाओं ने काठमांडू से कंधार तक विमान अपहरण का प्लान बनाया। आगे की कहानी सबको पता है कि कैसे मसूद अजहर की रिहाई हुई। राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। 17 साल पहले जब मसूद पाकिस्तान पहुंचा तो उसके कुछ आतंकवादी तालिबान के एक आतंकवादी संगठन जैश झंगवी से जुड़ गए। इस आतंकवादी संगठन से जुड़े मसूद के आतंकवादियों ने जब पाकिस्तान में ही शियाओं और गैर मुस्लिमों को मारना शुरू किया तो ISI और पाकिस्तानी फौज ने मसूद को भारत में आतंक फैलाने के काम में लगा दिया। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता जैश मोहम्मद के आतंकवादी अजहर मसूद के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल खटाई में पड़ गई है तो इसके पीछे अजहर मसूद ही है। वो अजहर मसूद जो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के लिए ही भस्मासुर बनने लगा था, तब पाकिस्तानी सेना और ISI ने उसका रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। इसलिए भारत में सवाल उठने लगा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। एक तरह से दिखावटी गिरफ्तारी हो रही है। मैं तो इस पक्ष का हूं
और इस देश के करोड़ों लोगों की भी भावना है कि एक ही बार पाकिस्तान में जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे उनको ध्वस्त कर दिया जाए, उसके बाद हमें सबूत नहीं देने पड़ेंगे, पाकिस्तान फिर हमसे सबूत मांगेगा, पाकिस्तान हमको सबूत मांगे, ये कोई गौरव की बात नहीं है। 1999 में कंधार कांड के बाद रिहाई होने पर अजहर मसूद पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान में उसने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया। बाद में उसके कुछ आतंकवादी तालिबान से जुड़े संगठन लश्करे जंगवी से जुड़ गए, जो वास्तव में सुन्नी आतंकवादी संगठन है। पिछले कुछ सालों में इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में शिया मुसलमानों और गैर मुसलमानों पर जमकर कहर बरपा दिया है। 2013 में क्वेटा में बमबारी करके 200 से ज्यादा हजरा शियाओं को मौत के घाट उतार दिया, तो 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमले में भी इसका ही हाथ था। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ समेत कई नेताओं पर भी जब तब हमले होने लगे। 2002 में डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के पीछे भी लश्करे जंगवी को ही माना जाता है, जिसका एक सिरा मसूद अजहर से जुड़ता है जो जैश का सरगना है। देश में आग लगी तो पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने जैश ए मोहम्मद को रुपए पैसे से मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। बस शर्त इतनी थी कि उनके आतंक की बंदूक हिंदुस्तान की तरफ मुड़ जाए। मसूद अजहर ने भी यही किया, जिसका नतीजा पठानकोट हमले के रूप में सामने आ चुका है। ये 99 में छूट के दिसंबर की बात है, 2000 में जाके इन्होंने जैश ए मोहम्मद की फाउंडेशन करी, और ये जो अटैक अभी पठानकोट में हुआ है ये जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ है, अभी तक जो सबूत या संकेत मिले। मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर सस्पेंस इस बात से गहरा जाता है कि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने साफ कर दिया था कि वो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान से यह खबर आई कि मसूद अजहर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ऐसी कोई जानकारी उसके पास नहीं है। तो ये क्या माने, क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान मसूद अजहर पर भारत को गुमराह कर रहा है, जबकि इस सब के बीच मसूद बार बार धमकी भी दे रहा है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर कहां है, यह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को ही पता नहीं है, जबकि बुधवार को खबर आई कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। I am not aware of such arrest. आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी देश की सुरक्षा एजेंसी किसी आतंकवादी को हिरासत में ले ले और उस देश की सरकार को इस बात की जानकारी ना दी जाए? इस बात के मायने ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की समानांतर सरकार ISI ने मसूद अजहर को अंडरग्राउंड कर दिया है। नंबर दो ये हो सकता है कि मसूद अजहर किसी गुप्त ठिकाने में छुपा बैठा है। नंबर तीन ये है कि मसूद अजहर की लोकेशन पता होने के बाद भी लोकतांत्रिक सरकार सेना के दबाव में उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर की ओर से जारी किया गया संदेश इस बात की आहट देता है कि लोकतांत्रिक सरकार तो कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन सेना नहीं चाहती कि उस पर कार्रवाई हो। इंशाल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा और कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बारे में कोई तमन्ना नहीं कि मरने पर उसकी हसरत रह जाए। बाकी रहे घर वाले और बच्चे, तो उनको आज भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं और कल भी अल्लाह ताला ही पालने वाले रब्बुल आलमीन हैं। भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो, और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। ऑडियो संदेश में मसूद अजहर सरकार को कोस रहा है। जाहिर है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया पाकिस्तान सरकार से खार खाए बैठा है, लेकिन भरोसे लायक पाकिस्तान की सरकार भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों के लिए स्वर्ग है। Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, some of these places may become safe havens for new terrorist networks. तो पाकिस्तान के इसी सेफ हेवन में मसूद अजहर
फिलहाल खुला घूम रहा है और उसकी मौजूदगी पर अंधेरे में हाथ मार रही पाकिस्तानी सरकार कार्रवाई के जुबानी वचन भर रही है। आज तक ब्यूरो विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने sir, I just want to ask when I asked from the people that who want to join